अगर मुझे मौका मिलता, अरे सिंघम होता मैं, सिंघम। सिंघम तू मेरी चिंता मत कर, मार गोली। मेरा गला काट के मुझे खत्म कर। तो दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थैंक गॉड ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन तो शानदार कमाई की, लेकिन दूसरे दिन भी फिल्म के कलेक्शन पूरी तरह से लाजवाब आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और राकुल प्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड के शुरुआती दो दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दो दिनों में दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि थैंक गॉड फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या फ्लॉप। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म थैंक गॉड, जिस फिल्म में अजय देवगन हमें नए जमाने के चित्रगुप्त के अंदाज में देखने को मिल रहे हैं, वही फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं तो राकुल प्रीत सिंह पुलिस वाले के किरदार में जान डाल रही है। अब आपको बता दे दोस्तों, यहां पर थैंक गॉड फिल्म के साथ में अक्षय कुमार की राम सेतु भी रिलीज हुई, जिसके चलते दोनों ही फिल्मों के बीच में स्क्रीन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऊपर से दोस्तों थैंक गॉड फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो एक तरह से एवरेज है, पर यहाँ पर एवरेज रिव्यूज कम स्क्रीन होने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की कमाई करती जा रही है उसे देखकर लग रहा है कि फिल्म बहुत ही जल्द दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि थैंक गॉड फिल्म का बजट सिर्फ है 70 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने रिलीज होने से पहले अपने डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर 75 करोड़ की रिकवरी भी कर ली थी। वही अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट डे और सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों थैंक गॉड फिल्म से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 14 से 15 करोड़ की कमाई करेगी, पर दोस्तों आपको बता दें कि थैंक गॉड फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 10 करोड़ का किया, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 12.5 करोड़ रुपए रहा। बात की जाए दूसरे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन लगभग 15 से 20% का ड्रॉप देखने को मिला है मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी में। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक थैंक गॉड फिल्म अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ का कर रही है, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों शुरुआती दो दिनों के अंदर थैंक गॉड का इंडिया नेट कलेक्शन 18 करोड़ का हो रहा है, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 22.5 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने एस्टिमेट ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन यानी कि विदेशों से कमाई 5 करोड़ की है। इसी के साथ दोस्तों थैंक गॉड फिल्म का दो दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन बन रहा है लगभग 27.5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 70 करोड़ के बजट की फिल्म दो दिनों में दुनिया भर से 27.5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, यानी कि एक तरह से फिल्म के कलेक्शन काफी बढ़िया है। उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों आने वाले 3-4 दिनों में फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, यहाँ पर थैंक गॉड फिल्म के जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कहाँ तक जाएंगे, क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाएगी, 150 करोड़ या 200 करोड़ रुपए? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और थैंक गॉड फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।